जो फिल्म थी मैकेनाज गोल्ड, वो इंडिया में भी लगी थी, पाकिस्तान में भी लगी थी, उसका जो टाइटल ट्रैक है वो आपको बहुत लगेगा शोले से मिलता हुआ। ओके ओके, मतलब वो भी ऐसे ही करके सही है, मतलब शोले में भी यही हुआ ना कि, लेकिन शोले में बहुत सारी चीजें ऐसी थी। You take her and get out of here. I'm going to fool around here a while. How long? I can hold it pretty long. मैं लोगों को इधर ही रोकता हूँ। तुम बसंती को गांव में छोड़ के आओ और चार पांच पेटियां कारतूसों के लिए आओ। चलो। You lose. हेज में रुकता हूँ। Fabio's going to get him down. He has a rope. If he wants to kill himself, let him. He will do me a big favor. God down, pan down, major. Bhagwan, main aa raha hu. Yaar, ruko, ruko. Hoga, kuch nahi hoga. Jab daru utregi, to ye bhi utar aayega. Jason ja raha tha. Humko raaste mein mil gaya. Who's that? Her name's Marisol. You just forget about her. इस फिल्म में दिखाया कि गब्बर आया था 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 ठाकुर की फैमिली मार दी। टेक्निकली ये तो सीन उठाया गया था, गया था वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट सर्जियो लियोनी की, जिसमें जिसको देख के आपको लगेगा कि शोले यहाँ से ली गई है। दो हीरो चार्ल्स ब्रॉन्सन, जेसन रॉबर्ट्स, क्लॉडिया कार्डिनेल, वो आती है शहर से, देखती है पूरा खानदान मरा हुआ है, उसको डर होता है कि उसको विलन आके तंग करेंगे, तो वो दो लोग हायर करती है, जय वीरू, जय और वीरू, और वो इनको हाँ थैंक यू शकर, अच्छा ठीक है, वो दो लोग हायर करती है बचाने के लिए। उसमें जो जेसन रॉबर्ट्स है उसको उस कन्या में अपनी मां नजर आती है, वो कहती है तुम्हारी हरकतें वैसी ही हैं। You know, Jill, you remind me of my mother. और जो दूसरा बंदा होता है
उसका रिवेंज का मूड था, वो हर वक्त हारमोनिका बजाता रहता है। वो हारमोनिका क्यों बजाता है? क्योंकि जब विलन ने उसके भाई को मारा था तो इस छोटे बच्चे को नीचे खड़ा किया था, हारमोनिका बच्चे के मुंह में लगाया था और कहा था जब तक ये बाजा बजेगा इसकी सांसें चलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बच्चे के मुंह से बाजा गिरता है, वो गिरता है, भाई लटक के मर जाता है। ये रिवेंज था। खासकर सोहेब, जिस तरह आपने बताया जय और वीरू, और देखें ना उसके बाद कितनी मूवीज आई जिसमें ऐसे ही दो हीरोज ने मिलके एक मूवी को चलाया, क्योंकि सारे हीरो तो वन मैन शो होते भी नहीं थे। और काफी ऐसी मूवीज हमने मेरे ख्याल से मिड 2000 तक हमने ऐसी मूवी देखी जिसमें दो हीरो हुआ करते थे और मूवी चलती थी सारी की सारी। मेरे ख्याल से वही कॉन्सेप्ट जो शोले के जमाने से चला आ रहा है। चलो बेटा, शोले हो गया ना, अब ये कॉफी पियो, वो ठंडी ना हो जाए। हाँ यार, मेरे ख्याल से कॉफी पियो।